नमस्कार दोस्तों, और बाइक राइड के बाद जो अमरकंटक का मेन ब्लॉग शुरू होगा, बाकी जगहों को, प्रमुख स्थलों को दिखाने का, वो हम अमरकंटक के मेन मंदिर, प्रमुख मंदिर नर्मदा उद्गम से शुरू करेंगे। ये वीडियो मैं रात को शुरू कर रहा हूँ और सुबह आपको पूरा दिखाऊँगा। और मेन पर्सपेक्टिव ये है अभी ऑन करने का, कैमरा शुरू करने का, कि आपको नर्मदा आरती दिखाऊँगा, जो मैं अपने हिसाब से नर्मदा आरती या तो शुरू में डाल दूंगा माता नर्मदा की आरती, या तो वीडियो के एंड में। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में, और सुबह का व्यू आपको दिखाऊंगा। लाइटिंग यहाँ बहुत खूबसूरत है, हो सकेगा तो रात कभी दिखा सकता हूँ मैं आपको, लेकिन वो जो कुंड में जो रिफ्लेक्शन आता है ना मंदिरों का, वो सुबह ही देखने मिलेगा, तो सुबह ही दिखाएंगे। तो जो कल वीडियो का शुरुआत हुआ था रात में, उसके बाद कंटिन्यू आते हैं। यहाँ पे जूता चप्पल रखने के बाद आप मंदिर की ओर जाएंगे। ये मुख्य द्वार है मंदिर का, आपको बहुत सारी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इस मुख्य द्वार का भी मान्यता है, तो अब आ चुके हैं मुख्य द्वार से अंदर। और यहाँ पे जितनी सफ़ेद मंदिरें आपको दिखाई दे रही है, पूरी की पूरी मंदिरें यहाँ सफ़ेद रंग में पुतवाया गया है, सफ़ेद रंग में ही बनवाया गया है। और कम से कम दो दर्जन लगभग मंदिरें यहाँ हैं, जो माता नर्मदा, राम जानकी मंदिर, शिव मंदिर, और बहुत सारे मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, दशावतार मंदिर, बहुत सारे मंदिरों का यहाँ पे समागम है, बहुत सारे मंदिरों का यहाँ पे। तो यहाँ पे कुंड है माता नर्मदा का, और वहाँ पे मंदिर है नर्मदा जी का, वो आपको वहाँ पे पास ले जाकर बताऊँगा। यहाँ कुंड में स्नान नहीं किया जाता, अगर कभी कभी बस आचमन किया जाता है, देखिए। और यहाँ पे बहुत सारे पूजा अर्चना होती हैं, और वहाँ पे राम जानकी मंदिर है। तो पहले मैं आपको माता नर्मदा के मंदिर को दर्शन करवाता हूँ और उनकी मान्यता बताता हूँ। तो यहाँ पे वीडियो फ़ोटो मना है, बट परमिशन से आप वीडियो फ़ोटो ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ले जाता हूँ नर्मदा उद्गम स्थल पर, ये देखिए आप माता नर्मदा उद्गम स्थल। ये पहले कांच नहीं लगा था, 6 साल पहले ये कांच लगाया गया है मंदिर की सुरक्षा के लिए। और अंदर मछली केकड़े आपको देखने मिलेंगे कुंड में। ऐसा कहते हैं कि रेवा राजा ने जब यहाँ पे देखा माता नर्मदा बांस के झुंड के बीच से निकलती थी, अवतरित हुई थी, और यहाँ पे पूरा बांसों का झुंड था, फिर रेवा राजा ने उन्हें यहाँ पे उद्गम स्थल उनका अच्छे से निर्माण करवाया। और मंदिर परिसर में बहुत सारे मंदिरों का यहाँ पे निर्माण भी हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर नर्मदा मेन मंदिर पर चलेंगे, आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे श्री वंशेश्वर महादेव दर्शन आप कर सकते हैं आके, इधर देखिए। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर दर्शन की ओर, नर्मदा मंदिर दर्शन की ओर। परमिशन नहीं होता वीडियो फोटो के लिए, अगर परमिशन लेके हमको वीडियो बनाने देते हैं तो हम आपको दर्शन कराएंगे। और यहाँ पे भी देखिए शिवलिंग है, और यहाँ पे यज्ञ कुंड है, यज्ञशाला बनाई गई है। तो पहले मंदिर दर्शन करते हैं, बाकी फिर आपको दिखाता हूँ कुछ कुछ चीज़ें। तो यहाँ देखिए लाइन लगा हुआ है दर्शन के लिए, और श्री राम दरबार मंदिर यहाँ पे है, और वहाँ पे राम जानकी है, वहाँ पे ले जाऊँगा मैं आपको। तो अंदर फोटो खींचना मना है, ऐसे भी लाइन लगा हुआ है, अभी नहीं जाते, यहाँ का मैं। तो यहाँ पे जो हाथी के बीच से निकला जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जिसने ज़्यादा पाप किया रहता है वो बीच में फंस जाता है, और यहाँ से पतले से लेकर मोटे मोटे व्यक्ति भी निकल जाते हैं यहाँ से आराम से बाहर। लेकिन कई बार कहा जाता है कि जिन्होंने पाप किया है वो अटक जाता है। एक वीडियो भी यहाँ की वायरल हुई थी, जो एक इंसान बहुत देर तक फंस गया था, उनको यत्र तत्र बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद निकाला गया था बाहर। और मैंने तो अभी तक 4 बार आ चुका हूँ अमरकंटक, कभी ट्राई नहीं किया है, पता नहीं अजीब सी घबराहट होती है, इसलिए मैं कभी ट्राई नहीं किया यहाँ पे।
तो ये उदल है और ये लाखन है, और जैसा कि मैंने बोल चुका है, औरंगजेब के शासन के समय ये मूर्ति खंडित कर दी गई थी, इसलिए इनके धड़ मात्र बच गए हैं। और इस हाथी से आप निकलकर अपने पाप होने की परीक्षा कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अभी आपको एक को निकलते हुए मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे मंदिर परिसर में मैंने बताया लगभग 24 दर्जन 24 से 25 मंदिरें यहाँ पे हैं, जो आप दशावतार मंदिर, राम दरबार, लक्ष्मी नारायण मंदिर आप देख सकते हैं यहाँ पे, और माँ नर्मदा की महाआरती प्रति संध्या 7 बजे। तो अभी आपको फिर यहाँ से घुमाता हूँ आपको, ये देखिए ये भी अपने पाप पुण्य की परीक्षा दे रहे हैं। तो सफलतापूर्वक ये निकल गए, और यहाँ पे श्री घंटेश्वर महादेव जी का मंदिर है, ऊपर आप देख सकते हैं। और आपको दिखाता हूँ मैं उधर जो स्थान है ना, वहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन से शिवरात्रि में, और बहुत समय जब प्रसाद वितरण होता है वहाँ पे 51 रुपए में आप लड्डू और बहुत सारी प्रसाद ले सकते हैं 51 रुपए देकर। तो यहाँ पे बाकी मंदिरों का भी आपको दर्शन कराता हूँ। मंदिर कुंड में यहाँ पे स्नान मान्य नहीं है, आपको आचमन के लिए सिर्फ परमिशन मिलता है। यहाँ से जो नर्मदा की धारा निकलती है, मैं आपको दिखाऊंगा मंदिर परिसर के बाहर, वहाँ पे आप बिना साबुन के स्नान कर सकते हैं। और जब परिसर से बाहर चली जाती है माता नर्मदा, बाहर जो नदी का बहाव है वो आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि दूर है और मुझे वक्त नहीं है उधर जाने के लिए, तो वहाँ पे आप साबुन से जैसे भी नहा सकते हैं। और ये पूरा मंदिर ज्योति घर इधर है, आपको दिख रहा होगा। और जब अच्छा धूप होता है और सूर्यदेव ऊपर जब आ जाते हैं, तो यहाँ पे पूरे मंदिर को, अगर पानी शांत रहता है, हवा नहीं होती, तो पूरे मंदिर की परिछाई प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाई देती है। आपको थोड़ा थोड़ा अभी भी दिखाई दे रही होगी, बहुत सारे मंदिरों के प्रतिबिंब यहाँ पे बनते हैं कुंड में। ये देखिए बहुत सारे शिवलिंग जो खंडित हो चुके हैं यहीं पे रखा गया है। यहाँ पे पीपल का पेड़ है जो बहुत पुराना है, वहाँ पे मान्यता वाला धागा आप बांध सकते हैं। यहाँ पे ऋषिद्धेश्वर मंदिर, एक बार और दिखाता हूँ जो पाप पुण्य की परीक्षा होती है हाथी के अंदर से ही। प्रवेश और निर्गमन होता है, वो देखिए। हेलो 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 निकल पाए ये करा दे तो निकल जाए। हेलो किसी दिखा दे रिस्क आगे। तो यहाँ पे देखिए प्रसाद के लिए बर्तन धोए जा रहे हैं, और आरती वाला जो थाल है, आरती का जो सामग्री है वो भी धोया जा रहा है। और वहाँ पे प्रीमियम वाटर एटीएम है, जहाँ 2 रुपए में 2 ml पानी और 5 रुपए में 1 लीटर पानी मिलता है। यहाँ महंगा आप बोल सकते हैं, हमारे सिटी में जाओगे तो 1 रुपए में 20 लीटर या 5 लीटर पानी मिल जाता है आपको वाटर एटीएम से। तो चलिए मैं आपको वो वाला कुंड दिखाता हूँ जहाँ पे बिना साबुन के आप स्नान कर सकते हैं, नर्मदा स्नान। फिर जूते चप्पल लेकर हम चले जाएंगे, और ये पूरा मंदिर परिसर है। और 100-200 रुपए में अगर आपको रूम चाहिए हो स्टे करने के, रुकने के लिए, तो मंदिर परिसर में आपको रूम मिल जाएगा इधर। लेकिन बाथरूम की सुविधा उस मंदिर उस परिसर में नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ व्यू, ये देखिए ये है नर्मदा आचमन और स्नान कुंड।
तो यहाँ पे झालर करवाना चाहते हैं, बच्चों का मुंडन करवाना चाहते हैं और फिर यहाँ नर्मदा में प्रवाहित भी कर सकते हैं आप ये स्थान में आकर। जूता चप्पल हमने ले लिया, अब जा रहे हैं गाड़ी की ओर। और बाहर एक छोटा सा मार्केट रहता है, वहाँ पे आप प्रसाद, पूजा सामग्री और इत्यादि खिलौने वगैरह बहुत सारी चीज़ें, फैंसी चीज़ें ले सकते हैं। आपको दिखाता हूँ और वहीं पे वीडियो एंड करता हूँ। तो यहाँ पे छोटा मार्केट का जो जिक्र कर रहा था यही पे है। और चलो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन आपने दबाया नहीं है नोटिफिकेशन के लिए तो दबाइएगा, और जो कमेंट करके आपको बातें बतानी है, पूछनी है, आप कर सकते हैं, मन की बातें लिख सकते हैं। तो तब तक ले, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, हर हर नर्मदे नर्मदे हर, जय अमरकंटक। अभी आरती की शुरुआत हो रही है, दीप जलाए जा रहे हैं। क्लास क्लियर ना होने की वजह से रिफ्लेक्शन पड़ रहे हैं क्लास के। मैया जी को कहत है।